सो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड इट्स मी सुजैन बादशाह हियर। सो गाइज, कैसे हो आप सब? तो गाइज, आज है हमारे पास एक बहुत ही मस्त चीज़। तो काफ़ी दिन से हमने काफ़ी कैमरे ट्राई किए, जैसे कैनन 80D, 90D, यहाँ तक कि जो हमने मेरा जो दूसरा फोटोशूट ब्लॉग था वो मैंने सोनी अल्फा से किया, एंड काफ़ी एडिटिंग ट्यूटोरियल है प्रीमियर प्रो के, लाइट रूम के, एंड ऑल ऑफ डैट काफ़ी सारे एडिटिंग ट्यूटोरियल्स हैं, काफ़ी कैमरे ट्राई करे। लेकिन आज हमारे पास है एक DJI Air 2S ड्रोन। तो हमने सोचा क्यों ना आज एक ड्रोन टेस्ट करते हैं, एंड इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि मैं हमेशा इस चैनल की वीडियो को शूट करने में यूज़ करता हूँ। जिस चैनल में मैं काम करता हूँ उस चैनल का नाम है हिंदुस्तान तहलका, एंड ये ड्रोन भी उन्हीं चैनल का है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं इसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैंने काफ़ी उड़ाया, कम से कम इसे मैंने कंटिन्यू बोले तो मैं अपने DJI एप्लीकेशन में मैंने एक बार चेक किया था, तो उसके हिसाब से कम इसे 60 किलोमीटर तक उड़ाया है, ठीक है। तो अभी 60 किलोमीटर तक का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना आपके साथ एक शेयर किया है, जो भी कुछ मुझे DJI Air 2S से सीखने को मिला है। एंड ये छोटा सा यार काफ़ी मस्त ड्रोन है, काफ़ी शानदार है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी शानदार है। तो चलो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है, एंड आपको दिखाते हैं एंड बताते हैं कि कैसे उड़ेगा ये। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, जस्ट मेरी इंस्टाग्राम आईडी, सो फटाफट से फॉलो करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। चलो तो भाई, ये है हमारे ड्रोन का एक छोटा सा बैग, जैसा कि फैंटम 4 का तो काफ़ी बड़ा बैग आता है भाई, कि बैग कंधे पे टांगो तो यार कंधे दर्द हो जाते हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा बैग है। ये बहुत ही प्यारा सा ड्रोन है यार, ठीक है। तो इसे देखो, जस्ट हम इसे ओपन करते हैं, ओके। तो ये है हमारा एक छोटा सा ड्रोन, जो कि काफ़ी शानदार है, काफ़ी मस्त है, एंड काफ़ी एडवांस है। सो इसे भी रखते हैं साइड में, एंड हमारे साथ इसके साथ एक एक आता है रिमोट DJI का, तो सिंपल इसे भी हम यहाँ रखते हैं साइड में। एंड इसके साथ हमारे तीन बैटरी आती है, जैसा कि एक ये और ये दो, तो सिंपल जस्ट टैप है। अभी हम बैग को रखते हैं साइड में। सो गाइस, ये आती हैं इसकी कुछ चार विंग्स, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाएगी ड्रोन के साथ। तो देखो, अब इसे लगाने का तरीका भी थोड़ा अलग है, तो इसके लिए जस्ट हमें करना क्या है सिंपली, अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये दो अलग अलग तरीके की विंग्स हैं, एक इसमें देखो येलो है एंड इसमें है ब्लैक। तो यही चीज़ मैटर करता है, इसी चीज़ को देखकर आपको विंग्स लगाना है। तो जस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक है, तो ये ब्लैक में लग जाएगा। अब इसे लगाना कैसे है, सिंपली आपको ऐसे प्रेस करना है एंड थोड़ा सा राइट साइड में ऐसे ड्रैग कर देना, लग गया, ठीक है। एंड अब यहाँ पर देख सकते हो ये ऑरेंज है इसका निशान, ठीक है, एंड इस विंग्स में भी ऑरेंज है। तो जस्ट आपको सिंपली यहाँ पर ऐसा प्रेस करना है एंड सिंपली राइट साइड ड्रैग कर देना है। तो भाई एक चीज़ और, ये गिम्बल का जो कवर है इसे भी हटा देना है आपने, क्या तो यहाँ पे रख देते हैं, ओके। अब देखो, जस्ट ये है हमारा एक रिमोट। अब रिमोट में देखो क्या करना है, इसकी जो जॉयस्टिक है वो तो है नहीं, तो ये आपको पता है कहाँ पे मिलेंगे, जस्ट इसके पीछे। तो सिंपली यहाँ से ऐसे निकाल देना है इन्हें, इन दोनों जॉयस्टिक को, एंड अब देखो यहाँ पर आपको लगाना है एंड ऐसे स्क्रॉल कर देना है, एंड सिंपली यहाँ पे भी आपको लगाना है एंड ऐसे स्क्रॉल कर देना है। सो गाइस, अब हमने ड्रोन को सैंपल कर लिया है, अब देखो सिंपली ये हमारा रिमोट, ठीक है। तो इसको ऑन कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इस रिमोट के बारे में जान लो, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आपको ये मोड्स दिख जाते हैं, ठीक है, एंड ये है हेलीपैड का ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है, ये आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये रिटर्न टू होम, मतलब कि अगर आपका ड्रोन एरिए से बाहर है, आपको पता नहीं है कि ड्रोन कहाँ पर उड़ रहा है, तो सिंपली आप इसको एक बार प्रेस कर लोगे एंड ड्रोन ऑटोमेटिक घूमते फिरते आपके उसी लोकेशन पर आ जाएगा जहाँ पर आप खड़े हो। तो ये चीज़ इसकी बहुत ही बढ़िया बात है इस ड्रोन में, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। ऐसे अगर हम ड्रोन कहीं पे भी जितने किलोमीटर भी दूर ले जाते हैं तो सिंपली आपको एक बटन प्रेस करना है ऐसे, एंड आपका ड्रोन घूमते फिरते उसी लोकेशन पर आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही सही है। एंड इसमें देखो आपको ये तीन मोड दिख जाएंगे, एक है स्पोर्ट्स मोड, एक है नॉर्मल, एंड एक है सिनेमैट। तो सिंपली आपको देखो स्पोर्ट्स पर करना है, एंड स्पोर्ट्स पर जो आपका ड्रोन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चला जाएगा, ठीक है। अगर आप बाय द वे हल्का सा भी जॉयस्टिक ऊपर कर रहे हो तो काफ़ी हाई स्पीड से ड्रोन ऊपर जाएगा, तो ऐसे में ड्रोन को टकराने का भी काफ़ी ज़्यादा चांस है। ये आप कब यूज़ कर सकते हो, जब आप काफ़ी ज़्यादा ऊपर से अगर कोई ऐसा शॉट ले रहे हो, सर्कल शॉट, या फिर काफ़ी स्पीड में ड्रोन आप दूर भेजना चाहते हो, एंड इसे भी बड़ी सावधानी से उड़ाना पड़ता है आगे पीछे तार देख के, तभी जाके हम स्पोर्ट मोड का यूज़ करते हैं। एंड दूसरा आता है हमारा नॉर्मल मोड, जो कि हम नॉर्मली चलेगा हमारा ड्रोन, ना ज़्यादा हाई स्पीड में रहेगा ना ज़्यादा स्लो रहेगा। एंड तीसरा आ जाता है हमारा सिने मोड, जो कि सिनेमैट होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है मुझे, काफ़ी सेक्सी है, ठीक है। एंड जिस मोड पे लगाने के बाद ड्रोन इतना स्मूथ चलता है एंड काफ़ी सही स्लोमो भी दे देता है इस मोड से, तो काफ़ी सही लगता है। एंड सिंपली ये हमारे दो जॉयस्टिक, जिससे कि ड्रोन ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अब इसके पीछे देख सकते हो ये
जैसे कि आप इसमें अपना फ़ोन लगाओगे, ठीक है, फ़ोन लगाने के बाद उसकी वायर लगाओगे, तो सिंपली आपको अब वीडियो स्टार्ट करनी है तो सिंपली आपको ये ऐसे बटन क्लिक कर देना है, आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, सिंपली यही बटन दबाओगे तो रुक जाएगी, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हो, ये बटन पता है किस काम में आता है, जैसे कि आपका ड्रोन है, ड्रोन का गिम्बल बाय द वे आपको ऊपर नीचे करना है तो उसके काम आता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ड्रोन का गिम्बल ऊपर नीचे करते हैं, तो सिंपली आपको देखो इसे ऑन कैसे करना है, एक बार प्रेस फिर लॉन्ग प्रेस, अब आपका रिमोट जो है वो ओपन हो चुका है। एंड सिंपली आप ड्रोन पे देखो इसका गिम्बल कैसे झुका हुआ है, तो सिंपली आपको देखो एक बार प्रेस करना है फिर प्रेस होल्ड, तो ये देखो अब हमारा गिम्बल ऑटोमेटिक सेट हो चुका है एंड यहाँ पर चारों तरफ लाइट चल गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बटन गिम्बल ऊपर नीचे काम करने आता है, तो जस्ट आपको ये देख सकते हो इसका गिम्बल ऊपर नीचे करते हैं। सबसे पहले तो यार हमें इसमें फ़ोन कनेक्ट करना पड़ेगा, जब ही जाके गिम्बल ऊपर नीचे होगा, या तो फिर इसकी अभी आरसी कनेक्ट नहीं हुई है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। बाकी अगर आपको पाया था भाई इसे उड़ाना है, तो उड़ाने के लिए सिंपली आपको ये ऐसे ये जो दो बटन है ऐसे कर देना है, तो ये ड्रोन जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। ओके सो गाइस, मेरे पास एप्पल का आईफोन 11 है, तो अभी इसमें हम केबल देख लेते हैं कौन सी है। तो इसमें टाइप सी केबल लग रही है, तो जस्ट अब देखो मैं एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका जो जैक होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है, तो इसमें लाइटनिंग केबल लगती है, तो सिंपली हम यहाँ से निकाल लेते हैं अपने एप्पल वाली केबल। ओके सो सिंपली ये है, ठीक है। एंड देखो अब ये देखो इसमें जो तार लगता है वो टाइप सी ही लगता है, ठीक है, एंड हमारे फ़ोन का जो है वो अलग अलग माउंट होता है, तो जस्ट हम यहाँ पर टाइप सी वाला लगा देते हैं। ओके एंड ये है हमारे फ़ोन में लगेगा, तो सिंपली देखो सबसे पहले हम अपना फ़ोन लगा देते हैं इसमें। ओके तो ये लग गया मेरा फ़ोन इसमें, एंड सिंपली आपको ये केबल लेनी है एंड इसे यहाँ लगा देना है। ओके सो अब हमारा रिमोट का सेटअप जो है वो रेडी हो चुका है काफ़ी सही, अब चलते हैं बाहर। सो गाइस, अब जैसा कि हमने अपना ड्रोन सैंपल कर लिया था, अब हम फाइनली ऊपर छत पर आ चुके हैं। एंड हाँ, उसके लिए सॉरी मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, बट मेरे पास अभी माइक नहीं है, तो हम रैंडम पे आ गए शूट करने के लिए, तो अभी मेरा सिग्नल जो है वो बिल्कुल क्लियर है। तो अभी मेरी 14 सैटेलाइट कनेक्ट हो चुकी है मेरे ड्रोन से, ठीक है, तो अभी बिल्कुल क्लियर है। हालांकि अगर बाय द वे आप ड्रोन उड़ा रहे हो, तो ड्रोन में आपकी कम से कम 13 सैटेलाइट कनेक्ट होनी चाहिए जब आप ड्रोन को टेक ऑफ कर सकते हो, ऐसे कोई भी रिस्क नहीं होगा, ताकि आपका ड्रोन जो है वो अपने GPS से कनेक्ट रहे एंड आपको पता चले। बाय द वे अगर आपका कनेक्शन छूट गया, तो आप ऑटोमेटिक GPS के थ्रू अपना ड्रोन वापस ला सकते हो। चलो अभी से हम करते हैं टेक ऑफ एंड देखते हैं क्या व्यू आता है, एंड ऊपर ले चलते काफ़ी हाइट पर। सो लेट्स गो। अब सिंपल आपको करना क्या है, जैसा मैंने नीचे बताया था, डबल ऐसे प्रेस करना, आपका ड्रोन जो रेडी हो चुका है। अब हम इसे टेक ऑफ करते हैं। तो सिंपल हमें करना क्या है, जस्ट ये वाली बटन है, इसे हमें ऊपर करना है। तो अभी देखो ड्रोन देखा, एंड अब हमारा ड्रोन जो है वो इतनी हाइट पे चला गया। अब सिंपली हमें देखो इस वाले बटन से आगे करना है ड्रोन को। तो भाई अब आप डायरेक्ट आ जाओ डिस्प्ले में, एंड डिस्प्ले में देखते हैं क्या सीन है। जस्ट आपको भी मैं कुछ बोलने वाला नहीं, क्योंकि मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करूंगा, एंड स्क्रीन रिकॉर्डर में ही आप सब कुछ देखते रहो कैसा चल रहा है ड्रोन।
क्वार्टर में देखा कि हमने ड्रोन ज़्यादा हाइट तक नहीं लेके गए, हालांकि बस आपको हमने एक ट्यूटोरियल दिया है ड्रोन कैसे उड़ाते, ठीक है। अब जस्ट हम अपने ड्रोन को वापस लेके आ रहे हैं एंड आप देखो कि ड्रोन को कैसे टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ करने का सिंपल तरीका है, जस्ट आप जिससे आप फ्लाई करते हो सिंपली आप इसी बटन को प्रेस करके रखना है नीचे की साइड, जब आपका ड्रोन आपके लोकेशन पर आ जाए सिंपली आपको इसे प्रेस करके रखना है एंड अब ड्रोन आपका ऑटोमेटिक लैंड हो जाएगा। एंड ये आप देख सकते हैं हेलीपैड का ऑप्शन, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया एंड अगर मैं लैंड पे क्लिक कर दूंगा लॉन्ग प्रेस तो भी अपने आप ये लैंड हो जाएगा। एंड रिटर्न टू होम पे क्लिक करूंगा तो ड्रोन मेरा जहाँ पे भी होगा घूम फिर के मेरे टॉप लोकेशन पर आ जाएगा, बल्कि मेरे सर पे घूमने लगेगा आके, ठीक है। तो ये फ्यूचर इसके काफ़ी सेफ्टी फ्यूचर है एंड काफ़ी ज़्यादा मस्त है DJI में। तो अभी देखो मेरा ड्रोन है वहाँ सामने, तो ये आप धूप में देख सकते हो उड़ रहा है बेचारा। तो चलो अब हम इसे अभी बुलाते हैं एंड यहाँ पे करते हैं इसे लैंड। तो ये चीज़ आप भाई देखो, अब ये मेरा ड्रोन जो है ये यहाँ आ चुका है। अब देखो ऐसे ही हमें लैंड करना है, सिंपली देखो जस्ट मैंने ये वाली बटन क्लिक किया एंड मेरा ड्रोन जो है वो ऑटोमेटिक लैंड हो जाएगा। एक सेकंड, जस्ट आपको यहाँ से आपका सेंसर जो है इसे बंद करना पड़ेगा ऑफ एंड अब ये लैंड कर गया। ओके सो गाइस, ये था एक छोटा सा ड्रोन का रिव्यू, जो कि जितना मैंने ड्रोन सीखा है मैंने सोचा अपनी नॉलेज आप तक पहुँचाता हूँ, आपको भी बताऊँ कि आप एक ड्रोन कैसे उड़ा सकते हो। बाय द वे, अगर आपके पास ड्रोन नहीं है तो आप किसी भी दोस्त यार से आप ड्रोन लेके सीख सकते हो। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं ड्रोन नहीं उड़ाना चाहता है तो यार एक नॉलेज तो आपके पास आ ही जाती है, ठीक है। तो जितनी नॉलेज मुझे थी ड्रोन उड़ाने की मैंने उतनी नॉलेज आपको दे दी है। एंड वीडियो अगर पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो। एंड मिलते हैं ऐसी किसी और मस्त सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा।